नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपको दोस्त नवीन और आप एड वीजा के यूट्यूब चैनल पर। हमारे साथ है सुखविंदर जी कुरुक्षेत्र से, और इनका हस्बैंड और वाइफ का वीजा आया है, लेकिन काफी भागा दौड़ी बड़ी होगी जी सुखविंदर जी। इनका वीजा आ गया था मार्च में नहीं, आपका वीजा आया था जनवरी में। इनका जनवरी में वीजा आया था, मार्च से वो शुरू हुआ था, और हस्बैंड वाइफ का था, वाइफ इनके ऊपर डिपेंडेंट थी, और इनकी वाइफ का वीजा अब आया है मई के एंड में जी। तो काफी भागा दौड़ी, एक एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ भी शेयर हो जाएगा। वो एक्सपीरियंस ये है कि अगर इनके ऐसा कुछ हो कि आपका हस्बैंड का वीजा आ जाए, किसी एक का वीजा आ जाए और दूसरे का ना हो, और पहला बंदा दूसरे पे डिपेंडेंट हो, तो ये वीडियो देख लेना, वो नॉलेज के बेसिस पे है कि आपको कुछ ना कुछ तो नॉलेज देखने से मिल जाएगी। इस सीन में ये हुआ था कि प्रोफाइल बता देता हूँ, सुखविंदर जी बिजनेसमैन है और अकाउंट्स मेंटेन पहले आए थे हमारे पास, तो अकाउंट्स मेंटेन के लिए बात थी। वही है कि घर में वो जंगल में मोर नाचा और सोने का किसी को पता नहीं था, तो फिर वो मोर इनका अकाउंट्स में नचवाया गया। अकाउंट्स में नचवाओ तो पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। प्रोफाइल अच्छी थी लेकिन अकाउंट्स मेंटेन नहीं थे, तो वो मेंटेन हुए, और तीन बारी रिफ्यूजल शनिगन से हो चुकी थी जी। तीन बारी शनिगन से रिफ्यूजल हो चुकी थी। रिसेंटली अप्लाई करने से 1.5 महीना 2 महीना पहले भी शनिगन का रिफ्यूज आया था, तो बड़े डरे हुए थे सुखविंदर जी के, पता नहीं फाइल लगाए या ना लगाए। तो स्टेटमेंट अच्छी थी, मैंने बोला कि स्टेटमेंट हमने अपने हिसाब से मेंटेन की हुई है, आप डरो मत। तो फिर मैंने इनका यूके का लिया था। शनिगन बाहर से अप्लाई हुए थे सारे जी, शनिगन सारे बाहर से अप्लाई हुए थे, मेरे से यूके का ही हमने इनका अप्लाई किया था। तो सुखविंदर जी एक्सपीरियंस कैसा रहा है? नवीन जी के साथ बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा जी। जी ठीक है, मतलब हमें उम्मीद भी नहीं थी कि हमारा यूके का वीजा एक्सेप्ट होएगा जी। ठीक है, तीन बार शनिगन की रिफ्यूजल थी, अकाउंट मेंटेन नहीं थे, इसलिए रिफ्यूजल थी, डरे हुए थे कि लगाए ना लगाए, डरे हुए थे क्योंकि हाँ वो होता है जी के बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि वही स्टेटमेंट थी वो शनिगन में लगी थी, नहीं आया वीजा। अब वो वही सेम स्टेटमेंट सारी यूके के अंदर लगाई गई थी, फिर वो वीजा निकल गया था। अच्छा, पेमेंट को लेकर के कुछ लोग, मेरा खैर आज तक भगवान की दया से हमें किसी ने बोला नहीं है पेमेंट के लिए, लेकिन पेमेंट में कभी कोई प्रॉब्लम आई हो कुछ? नहीं नहीं, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं, तो वो भी हो गया। दूसरा मैं ये कहूँगा कि अगर आप लोगों के साथ ऐसा कोई केस है कि पासपोर्ट नहीं आ रहा है, तो मैंने इनको शुरू में ही बोला था कि सर आप एम्बेसी चले जाओ, कोई इशू नहीं आएगा। आप ऐसा हो जाता है कभी कभी कि कोई पासपोर्ट का कोई डिसीजन नहीं हो रहा है, फाइल दबी रहेगी या कुछ भी हो सकता है, वो रेयर चांसेस होते हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है। तो मैंने इनको जब आए थे शुरू में कि मेरा तो इनका पासपोर्ट 15 दिन में आ गया था वीजा, तो वाइफ का नहीं आया, तो मैं 1-2 वीक वेट किया, तब इनको बोला कि सर आप सीधा एम्बेसी जाओ, क्योंकि ना VFS इसमें हेल्प कर पाएगा, कोई चीज नहीं है। तो काफी मेल डाली, बहुत कुछ किया, लेकिन कोई हेल्प नहीं हुई। तो एंड ऑफ द डे ये अब 15 दिन पहले VFS एम्बेसी गए थे शायद, तो 15-20 दिन पहले एम्बेसी गए, वही लास्ट में फिर वही हथियार चला है कि एम्बेसी गए, वहां लेटर लिखा गया, फिर उन्होंने उनको केस को गो थ्रू किया और इनकी वाइफ का पासपोर्ट इनको भेज दिया वीजा लगा करके। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो जी, लोगों को क्या कहना चाहेंगे जी? मैं तो ये कहना चाहूंगा जी, एक बार नवीन जी से जरूर मिले, ठीक है, अगर आपको अपने पासपोर्ट में वीजा स्टैम्प चाहिए जरूर, ठीक है, कोशिश करेंगे जी 100%। तो आपको भी नहीं बोला था नहीं, लेकिन 100% कोशिश हमारी होती है कि आप लोगों को वीजा निकल जाए, क्योंकि जब जेन्युइन केस हो उसे लगाने में भी मजा आता है सर, और जेन्युइन केस के लिए लड़ने में भी मजा आता है। तो लड़ने के लिए मैं बता देता हूँ, चलो इस पे अलग से वीजा वो बना दूंगा, अभी ये आए हुए, वैसे मैं दिखा रहा हूँ, अभी ये 3 डिसीजन है सर, इस पे डेट पढ़ देना जरा, 23 मई 24 मई 20 मई 20 मई। तो ये 3 केसेस हैं अभी ओवरटर्न हुए हैं, तीनों केस हमारे पेज में। अभी जब केस जेन्युइन हो तो सर उसमें मजा भी आता है लड़ने का, और एक ये भी सर डेट ऑफ बर्थ जरा पढ़ दीजिएगा, क्लाइंट समझ में नहीं आएगा, 9/7/2001। तो ये 9/7/2001 है, इसके बारे में मैं अलग से बनाऊंगा। ये सिर्फ 21 साल का लड़का है, यंग है, और इसका टूरिस्ट वीजा सर दिख रहा होगा आपको, 16/5/2022 से 16/11/2022 तक वैलिड है। तो इसके बारे में अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा कि ये क्या प्रोफाइल थी, कैसे थी। 21 साल का लड़का है जिसका टूरिस्ट वीजा निकला है, सिंगल है, और सबसे बड़ी चीज है कि भाई इस एज में टूरिस्ट वीजा यूके का निकलना एक बड़ी बात होती है। बाकी
सुखविंदर जी बहुत बहुत मुबारक है आपको भविष्य के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू।